हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 20 फरवरी 2019 वार बुधवार की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड मेगा एक्सरसाइज वायु शक्ति इन पोखरण राजस्थान। द एक्सरसाइज वाज कैरिड आउट डे एंड नाइट वेयर द IAF शोकेस्ड फायर पावर कैपेबिलिटी ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड प्लेटफॉर्म एंड इफिशियंसी ऑफ मिसाइल्स। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के पोखरण में मेगा अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किया। यह अभ्यास दिन रात किया गया, जहां भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित प्लेटफॉर्मों और मिसाइलों की प्रभावकारिता की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर राधा मोहन सिंह इनोग्रेटेड द 4th एग्री लीडरशिप समिट 2019 एट द इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट इन गोनेर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। इट वाज ए 3-day समिट। द थीम ऑफ द समिट वाज एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्री बिजनेस एग्री एलाइड ए प्रमोसिंग सेक्टर एंड एग्री सर्विस डायरेक्ट मार्केटिंग। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने हरियाणा के सोनीपत जिले के गणोर में इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट में 4th कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2019 का उद्घाटन किया। यह 3-दिवसीय शिखर सम्मेलन था। शिखर सम्मेलन का विषय एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्री बिजनेस एग्री एलाइड ए प्रमोसिंग सेक्टर एंड एग्री सर्विस डायरेक्ट मार्केटिंग था। नेक्स्ट, द 14th इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल हेल्ड ऑन द सैंड डन इन जैसलमेर विद थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन द कलरफुल इवेंट। जैसलमेर के सैंड डून में रंगारंग कार्यक्रम में भाग लेने वाले हजारों पर्यटकों के साथ 40वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव आयोजित किया गया। नेक्स्ट, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान पास्ट द राजस्थान पंचायती राज अमेंडमेंट बिल 2019 एंड द राजस्थान म्यूनिसिपलिटी अमेंडमेंट बिल 2019 टू एंड द मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया फॉर पंचायत एंड सिविक पोल्स कैंडिडेट्स। राजस्थान की विधानसभा ने पंचायत और नागरिक चुनावों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा मानदंड को समाप्त करने के लिए राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019 और राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य में जो पंचायत के चुनाव थे उनमें पिछले चुनाव से पहले, जो लास्ट चुनाव हुआ था उससे पहले एजुकेशन क्राइटेरिया कर दिया गया था। उस एजुकेशन क्राइटेरिया में वापस से संशोधन किया गया है। नेक्स्ट, यूनियन कल्चर मिनिस्टर महेश शर्मा इनोग्रेटेड इंडियाज वेरी फर्स्ट फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर एट द साइंस सिटी इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने कोलकाता पश्चिम बंगाल में साइंस सिटी में भारत के पहले फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेनका गांधी लॉन्चेज ए रेंज ऑफ सिटीजन सेफ्टी इनिशिएटिव्स
इन न्यू दिल्ली। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने नई दिल्ली में नागरिक सुरक्षा पहलों की एक श्रृंखला शुरू की है। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। ईरान प्रेसिडेंट हसन रूहानी अनवील्ड द फर्स्ट ईरानियन मेड सेमी हैवी सबमरीन नेम्ड फतेह कॉन्क्योरर इन पेरिसन कैपेबल ऑफ बीइंग फिटेड विद मिसाइल्स एज पर द रिपोर्टिंग ऑन ईरान स्टेट टीवी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने ईरान के राज्य टीवी पर रिपोर्ट के अनुसार मिसाइलों से लैस होने में सक्षम फतेह फारसी में विजेता नामक पहली ईरानी अर्धभारी पनडुब्बी का अनावरण किया है। आइए बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज विज्ञान एवं तकनीकी समाचारों की। एनबोट इज द फर्स्ट वॉकिंग रोबोट टू हैव नेविगेशनल कैपेबिलिटीज विदाउट GPS और मैपिंग। इट हैज बीन डिजाइंड बाय सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च CNRS एंड एक्स मर्सेल यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स एट ISM ऑनलाइन सिमिलर टू डेजर्ट एंड्स हु यूज पोलराइज्ड लाइट्स एंड UV रेडिएशन टू नेविगेट इन स्पेस। एंटबोट GPS या मैपिंग के बिना नौवहन क्षमता के साथ चलने वाला रोबोट है। इसे सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च और एक्स मर्साइल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ISM में डिजाइन किया है। यह रेगिस्तान चींटियों के समान है जो अंतरिक्ष में नेविगेट करने के लिए ध्रुवीकृत रोशनी और UV विकिरण का उपयोग करता है। नेक्स्ट, इजराइल इज द टू लॉन्च इट्स फर्स्ट मून मिशन सेंडिंग एन अननेम्ड स्पेसक्राफ्ट टू कलेक्ट डाटा टू बी शेयर्ड विद नासा। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट द 585 किलोग्राम बियर सीट स्पेसक्राफ्ट इज टू लिफ्ट ऑफ स्टॉप ए फाल्कॉन 9 रॉकेट फ्रॉम केप कार्निवल फ्लोरिडा। इजराइल को अपना पहला चंद्रमा मिशन शुरू करने वाला है। यह नासा के साथ साझा किए जाने वाले डेटा एकत्र करने के लिए एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेज रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 585 किलोग्राम का बरसेट जेनेसिस अंतरिक्ष यान कैप कैना वेरल फ्लोरिडा के एक फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमी न्यूज वाणिज्य समाचार। द रिजर्व बैंक हैज अनाउंस्ड दैट इट विल ट्रांसफर एन इंटरिम सरप्लस ऑफ 28,000 करोड़ रुपीज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31st December 2018। द सेंट्रल बैंक फॉलोज ए जुलाई जून फाइनेंशियल ईयर एंड यूजुअली डिस्ट्रीब्यूट्स द डिविडेंड इन अगस्त आफ्टर एनुअल अकाउंट्स आर फाइनलाइज्ड। रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले छमाही के लिए केंद्र सरकार को 28,000 करोड़ रुपए का अंतरिम अधिशेष हस्तांतरित करेगा। केंद्रीय बैंक जुलाई जून वित्तीय वर्ष का पालन करता है और आमतौर पर वार्षिक खातों के लिए अगस्त में लाभांश वितरित करता है और अंतिम रूप देता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। झारखंड बेस्ड NGO युवा वॉन द लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड युवा वर्क्स फॉर गर्ल एम्पावरमेंट एंड बिकम द थर्ड इंडियन एंट्री टू रिसीव दिस ऑनर। झारखंड स्थित NGO युवा ने लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड जीता। युवा बालिका सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है और वह यह सम्मान पाने वाला तीसरा भारतीय प्रविष्ट बन गया है। नेक्स्ट, मल्लखंब कोच उदय देश पांडे एंड बैट्सवुमैन स्मृति मंधाना वर अवार्डेड द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट्स शिव छत्रपति अवार्ड बाय द स्टेट गवर्नर सी विद्यासागर राव एट एन इवेंट हेल्ड एट द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। मल्लखंब कोच उदय देश पांडे और बल्लेबाज स्मृति मंधाना को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में आयोजित एक समारोह में राज्य के राज्यपाल
सी विद्यासागर राव द्वारा महाराष्ट्र राज्य सरकार के शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की। अरुण जेटली रिज्यूम्ड चार्ज एज द फाइनेंस मिनिस्टर आफ्टर ए गैप ऑफ ओवर ए मंथ विच वॉज सेकेंड ब्रेक विद इन ए ईयर दैट ही हैड टू टेक टू अंडरगो मेडिकल ट्रीटमेंट। अरुण जेटली ने एक महीने के अंतराल के बाद वित्त मंत्री के पद के रूप में पदभार संभाला है। वह एक वर्ष के भीतर दूसरा अंतराल था जिसके कारण उन्हें चिकित्सा उपचार से गुजरना पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, जो अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर का जो कार्यकाल था यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर की पद की गरिमा को बनाए हुए थे पीयूष गोयल जी, क्योंकि अरुण जेटली बीमार था और इसी वजह से पीयूष गोयल को एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया था। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार। एलाइस मर्टेन वर्ल्ड नंबर 21 फ्रॉम बेल्जियम बीट वर्ल्ड नंबर 3 सिमोना हालेप टू विन द कतर ओपन हेल्ड इन दोहा कतर। बेल्जियम की विश्व नंबर 21 खिलाड़ी एलिस मर्टेन ने विश्व नंबर 3 सिमोना हालेप को हराकर दोहा कतर में आयोजित कतर ओपन जीता है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है ऑप्टोरिज निधन की। बात करते हैं क्लाइमेट साइंटिस्ट वालेक स्मिथ ब्रोकर हु पॉपुलराइज्ड द टर्म ग्लोबल वार्मिंग हैज पास्ड अवे इन न्यूयॉर्क। 87 ईयर ओल्ड कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ब्रेथेड हिज लास्ट एट ए न्यूयॉर्क सिटी हॉस्पिटल। ग्लोबल वार्मिंग शब्द को लोकप्रिय बनाने वाले जलवायु वैज्ञानिक वालेस स्मिथ ब्रोकर का न्यूयॉर्क में निधन हो गया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 80 वर्षीय प्रोफेसर ने न्यूयॉर्क शहर के अस्पताल में अंतिम सांस ली है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है और सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करें। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में डालें। हमारे वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम फेसबुक और अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।